राधे राधे बच्चों। चलिए तो बेटा, हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर वन में ही लॉगरिथम। ठीक है, इसका बेटा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, साथ साथ इसका हम यूज बहुत जगह करते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वहां पे भी लॉग का यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना है। और ये टॉपिक फ्री फंड का है, कुछ क्वेश्चन क्या है आप नॉर्मली सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैंने कहा था ना, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो लॉग बेटा 80% शॉर्टकट के साथ हो जाता है, ठीक है ना। 80% आप कैलकुलेटर पे ही क्या कर सकते हो, लॉग के आंसर निकाल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा आपका टाइम क्या कर देता है, सेव कर देता है। तो टॉपिक है हमारा लॉग, जिसको हम लॉगरिथम बोलते हैं, प्यार से इसको हम लॉग बोलते हैं। देखो बच्चे, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लॉग, दिख रहा है सबको अच्छे से? ये बेटा बेस होता है और ये आपका नंबर होता है, लॉग ए बेस बी। तो ए आपका क्या है बेटा, बेस है, और ये क्या है आपका, नंबर। ठीक है ना, लॉग ए बेस बी, ठीक है, पढ़े आगे बच्चे। अगर ऐसा लिखा हुआ है बच्चे, फर्स्ट पार्ट लॉग एम इंटू एन, क्या लिखा हुआ है बच्चे, लॉग एम इंटू एन, तो ये हो जाएगा log m प्लस log n। इसका काम क्या है बच्चे, जो भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एडिशन में। नोट बेटा, मैं टाइम प्रॉपर दूंगा नोट करने के लिए, ठीक है। जितनी भी टेक्निकल बातें, मैंने कोई भी टेक्निकल बातें की नहीं है, हम पहले अपने मतलब का पढ़ लेंगे, इसके बाद इसकी टेक्निकल बातें कर लेंगे। मैंने कोई भी मतलब ऐसे प्योर मैथ वाली कोई भी बात आपके साथ नहीं की है, जस्ट सिंपल इसको रखा हुआ है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, लॉग 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ऐसे लिख दिया मैंने, तो बच्चे बताओ इसको क्या लिखोगे, लॉग 2 प्लस लॉग 3 प्लस लॉग 4 प्लस लॉग 5 प्लस लॉग 6, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो भी नंबर है बेटा मल्टीप्लिकेशन में, सबको किस में कन्वर्ट कर देना है, एडिशन में। जो इसके कुछ थोड़ी थोड़ी टेक्निकल बातें हैं वो मैं धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करता रहूंगा, ठीक है। एक साथ बताऊंगा तो थोड़ा सी दिक्कत होगी। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, लॉग एम इंटू एन, तो सर जितना भी पार्ट इंटू में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में। सेकेंड लिखा है बेटा लॉग m अपॉन n, क्या लिखा है बेटा, log m अपॉन n, हाँ। तो log बच्चे m माइनस बोलो log n, क्लियर हो गया क्या, log m माइनस log n। एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, तो log 5 अपॉन 7, तो बच्चे इसको क्या लिखोगे बोलो, log 5 माइनस log 7, इतना पहले नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। सब आएगा बेटा, सब आएगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी, है ना। आपके बुक वाला भी आएगा, कुछ मैं बुक से बाहर भी बताऊंगा, सब कुछ आएगा, साथ में चलते चलो। और इसको अपने कॉपी पे नोट करो, घर पे जाके कहां पे नोट करोगे, कंसेप्ट वाले रजिस्टर पे, यहीं पे नोट ना कर लेना, घर पे जाके नोट करना है। रीजन क्यों मैं कहता हूँ घर पे जाके नोट करना है, एक बार आप दोबारा से लिखोगे अच्छे से तो वो रिटेन रह जाएगा माइंड में। थर्ड नहीं, पहले कुछ और बातें करते हैं इतने में।
तेजी से नोट करो बच्चे थोड़ा सा। सिंपल है ना, बस इन्हीं पार्ट को क्या करना है हमें यूज करना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अब आप लोग मुझे इसकी वैल्यू बताएंगे बच्चे, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन बच्चे एक्स इंटू वाई। बताओ इसको क्या लिखेंगे हम लोग, log a प्लस log b प्लस log c माइनस log x माइनस या प्लस, कोई बात नहीं। अब देखो हाँ, मुझे अभी केवल ये log m दिख रहा है पूरा ऊपर, और ये क्या दिख रहा है n दिख रहा है। तो मुझे बताओ log m अपॉन n का फॉर्मूला आता है क्या? यस सर, log m माइनस log n। कोई दिक्कत है पहले इतने में बताओ मुझे, सिंपल है। हम क्या कर रहे थे, एक साथ दो स्टेप ओपन कर रहे थे, इसलिए आपको थोड़ी सी समस्या हो रही थी। इतना आ गया सबको? अब आप बेटा इसको ओपन कर लो नॉर्मल जैसे ओपन करते हो। तो सर इंटू वाला है, तो log a प्लस log b प्लस log c माइनस, बेटा माइनस बाहर है तो दोनों के साथ रहेगा, तो नॉर्मली ओपन करोगे तो log x प्लस log y। तो आप लोग जो आंसर दे रहे थे वो फाइनल आंसर ये होगा, माइनस का बोलो बेटा log x और माइनस का log y, क्योंकि जो डिवाइड वाले पार्ट है वो दोनों किस में चले जाएंगे बेटा, माइनस में चले जाएंगे। क्लियर है? तो पहले हमने m अपॉन n का लगाया, फिर हमने इनटू वाला लगा लिया। फिर से तो रिपीट नहीं करना इस पार्ट को। अब मैं बताऊं तुम लोग गलती क्या करोगे, मानोगे नहीं मैं कितना भी समझाऊं, तुम लोग ये ब्रैकेट नहीं लगाओगे ठीक है, और जल्दीबाजी के चक्कर में ब्रैकेट नहीं लगाओगे, इसको माइनस का लिख लोगे और अगले वाले को किसका लिख लोगे, ओ गलत हो जाता है। तो प्लीज जब भी किसी नंबर के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाइए, या एक साथ इतना ध्यान रखिए कि दोनों नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में कन्वर्ट करना है। लिख गया तो दोनों प्रॉपर्टी याद हो गई, एक इनटू वाली थी और एक डिवाइड वाली। इनटू वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड वाला माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैंने इसमें कुछ टेक्निकल टर्म थे वो मैंने गायब ही कर दिए, मैंने बेस अगर ध्यान रख रहा हूं तो मैं बेस लिख ही नहीं रहा हूं, ना पहले पार्ट में लिखा ना दूसरे पार्ट में। रीजन है क्या, एक साथ जब मैं बेस लिख देता हूं तो बच्चा थोड़ा सा डरने लगता है, तो बेस हम सीधे क्या करेंगे, लास्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। चलो तो ये नोट हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी है बच्चे log m टू द पावर n। क्या है बच्चे, m टू द पावर, पहले मेरे साथ सुनो, टाइम में प्रॉपर दे रहा हूं नोट करने के लिए। तो जब भी बेटा लॉग, देखो लॉग का यूज ही इसलिए किया गया है कि जो भी पावर होगी वो कहां आ जाएगी बच्चे, आगे आ जाएगी। तो मुझे बताओ इसका फॉर्मूला हो जाएगा n log m, क्या हो जाएगा बच्चे, n log m, क्या हो जाएगा n log। तो आपको याद ये रखना है कि सर पावर बाहर आ जाती है,
बाकी कुछ नहीं याद नहीं रखना, याद क्या रखना है, पावर बाहर आ जाती है। तो मैं ऐसे लिखूं बच्चे, लॉग 2 की पावर 3, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चे, ये 3 log 2। नोट डाउन कर लो अच्छे से, और कोई भी फॉर्मूला नहीं, आपको उसका कंसेप्ट याद रखना है कि पावर बाहर आ जाती है। Done? चलो फोर्थ सीखते हैं। लिखा है log m टू द पावर n और बेस है a, इस पे पावर है b। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा फॉर्मूला। नंबर पे भी पावर है और किस पे भी पावर है बेटा, बेस पे भी पावर है। तो हमने तो इतना सीखा है कि पावर कहाँ आ जाती है बेटा, बाहर आ जाती है। तो ये हो जाएगा n अपॉन b, यानी सर बेस की पावर जो होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। कहाँ आती है बेटा, बेस की पावर डिनोमिनेटर में आती है। तो ये हो जाएगा log, बेस में बच्चे a लिखा हुआ है और नंबर में m लिखा है। क्या समझ में आ गई, क्या बोला, पावर तो सर बाहर आती है बट बेस की पावर होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था log 27 और यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करके बताइए आप लोग। तो मुझे बताओ इसको क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, log 2 की पावर 3 और ये भी क्या है बेटा, 3 की पावर 3। तो ये 3 भी बाहर आ जाएगा और ये 3 भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/3 log, बेस में बेटा 2 है और नंबर कितना है 3। याद हो गई, नोट डाउन कर लो। अब फिफ्थ है बच्चे कि लॉग में बच्चे बेस और अगर नंबर सेम हो, क्या हो, बेस और नंबर, इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज करेंगे। बेस और नंबर अगर सेम है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1। बेस और नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, ये 8 है और ये 2 है, कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाइड कर दो। तो मैं इसको बच्चे क्या लिख सकता हूं, log, बेस तो हमारा 2 ही रहा, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो बेटा ये पिछली प्रॉपर्टी यूज होगी ना, पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, 3 log, बेस में 2 है और नंबर भी 2 है। तो बेस, हाँ, बेस और नंबर बेटा जब भी सेम होगा तो उसकी वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, 1। तो इस पार्ट की वैल्यू तो 1 हो गई और बाहर पहले से ही 3 था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद कैसे रखना है, बेस और नंबर सेम।
देन सिक्स, कौन सा नंबर? सिक्स ही है, लॉग एनी बेस, बेटा कोई भी बेस हो, और लॉग वन की वैल्यू हमेशा कितनी होती है? जी, लॉग वन की वैल्यू कोई भी बेस हो कितनी होती है? जीरो। बेटा नहीं आएगा ये, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, कि ये बेस वन नहीं होगा। सेवेंथ बात करते हैं, ध्यान से सुनना इस प्रॉपर्टी को, लॉग बेस में ए है और नंबर एक्स, ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, हमने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या इंडाइसिस में कि नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ले जाते हैं, तो क्या होता था? पावर का साइन चेंज होता था। बट यहाँ पे कहानी कुछ अलग है, अगर आप लॉग को बेटा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर लाओगे, तो यहाँ पे साइन चेंज होने की जगह पे क्या होता है? बेस नंबर बन जाता है और नंबर बेस हो जाता है। तो ये आएगा वन अपॉन लॉग, यहाँ पे आपका एक्स बेस हो जाएगा और नंबर ए हो जाएगा। क्या याद रहेगी ये प्रॉपर्टी? ये कब लगनी है? चाहे आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, तो बोलो क्या हो जाता है? सर जो नंबर होता है ना वो बेस बन जाता है, और बेस क्या हो जाता है बच्चे? नंबर हो जाता है। चलो मैं इस सारी प्रॉपर्टी लिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। एट, इसको हम नाम बोलते हैं बेटा बेस चेंज। क्या बोलते हैं इसको? बेस चेंज। ऐसे लिखा हुआ है लॉग, और बेस ए है और नंबर एक्स है। नोट बाद में करना, पहले सुनने पर ध्यान दो बच्चे। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो हम कोई भी एक कॉमन बेस बना लेंगे और इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। कितने पार्ट में तोड़ देंगे बच्चे? दो पार्ट में इसको हम तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग, यहां भी लॉग हो जाएगा। अब आपका मन है कोई भी एक नया बेस बना लो, तो मैंने लॉग का बेस क्या बना लिया? के। और ऊपर हो जाएगा बेटा इसका नंबर एक्स, और इसका नंबर हो जाएगा ए। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? बेस चेंज करने वाला। तो ध्यान क्या रखना है इसमें? सर हम न्यूमरेटर, सॉरी नंबर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, और बेस को कहां ले जाते हैं? डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। और कोई भी, जो भी दिल करे आप कोई भी कॉमन बेस रख सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? कोई भी कॉमन बेस रख सकते हो। चलो एक क्वेश्चन भी लिख लेते हैं इस पे। ऐसे लिखा हुआ, बेटा मैं अभी एग्जांपल करा रहा हूँ, देखो अभी समझ में आ जाएगा। अब देखो मुझे बताओ, जनरली अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ पहले का याद है, तो जो पीछे लॉग की टेबल होती है बेटा, वो हमेशा 10 के बेस में होती है ना? बेस कितना होता है? 10 होता है। हमें तो यहाँ पे समझना कि भैया हमें इसका ये बेस चेंज करना है, नया बेस लाना है। तो आपको करना क्या है बेटा, इस क्वेश्चन को कितने पार्ट में तोड़ दो? दो पार्ट में। आप लॉग लिख लो, फिर लॉग लिख लो, और करना क्या, जो भी आपका मन है नया बेस लाना। सर हमें 5 लाना है, तो बेस यहाँ पे 5 लिखा है, तो बेटा यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप? 5 लिखोगे। क्लियर है क्या? और सर जो हमारा नंबर था वो यहाँ पे आ जाएगा, जो बेस था वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझ में? फिर से बोलो क्या किया? हमें बेस बदलना होता है ना बेटा, तो उस लॉग को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। कोई भी एक नया बेस रख दो, पर वो कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो, तो नहीं चलेगा बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। ये चलेगा केवल आपका जो भी दिल करे, आप कोई भी नया बेस बना लो, बट दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वो इतनी बात समझ में आ गई है?
अच्छा, सेवेंथ का कोई भी एग्जाम्पल नहीं किया हम लोगों ने, चलो उसको भी कर लेते हैं। लॉग बेस कितना है बेटा? टू, और नंबर क्या है? टेन। हमें टेन के बेस में चाहिए था, तो हम इसको वन अपॉन में लेके आए, तो क्या हो सकता है क्या चेंज हो जाए? यस, वन अपॉन। ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ता हूँ क्योंकि वो बच्चा कंफ्यूज आता है, तो मैं हमेशा क्या कर देता हूँ, पहले क्या पढ़ देता हूँ? बेस, फिर क्या पढ़ देता हूँ? नंबर। मेरी आदत क्या है कि चीजों को सिंपल कर देता हूँ। अब बच्चा कंफ्यूज होता है, लॉग टेन फिर वो अलग, तो पहले मैं बेस पढ़ देता हूँ, फिर क्या बोल देता हूँ? नंबर बोल देता हूँ। तो लॉग टेन बेस है और नंबर क्या है? टू है आपका। डन हो गया, लिख लो बच्चे इसको इतना। अब क्वेश्चन करते हैं। एक बार रिकॉल करें क्या फॉर्मूले क्या क्या पढ़े थे? हाँ सर, जरूरत है, एक बार आप रिकॉल करा दीजिए। अब देखो बेटा, मैंने आपसे बहुत सारी मैथ की चीजें छुपा के रखी थी, जैसे किसी में बेटा अगर यहाँ पे बेस ई है, क्या है, आप लिखने को जरूरत नहीं है, अगर बेस ई है तो बेटा जब आपने इसको आगे सॉल्व किया तो इसका बेस भी क्या होगा? ई। अगर इसका बेस फाइव था तो बाकी का बेस भी क्या होगा? फाइव। बट उस टाइम मैं बताता तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, इसलिए मैंने इस बात को क्या कर लिया था, आपसे छुपा लिया था। लॉग एम इन टू एन, तो इनटू वाला किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। लॉग एम अपॉन एन, तो डिवाइड वाला माइनस में कन्वर्ट, लॉग एम माइनस लॉग। सेकेंड हो गया। पावर बोलो बेटा कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। और सर अगर बेस में भी पावर है तो बोलो वो भी आगे आ जाती, पर डिनोमिनेटर में आती है। बेस और नंबर अगर सेम हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा? वन। बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू वन हो जाती है, और कोई भी बेस बना रहा है वन की वैल्यू जीरो होती है। फिर मैंने आपसे बोला कि अगर मुझे लॉग को बेटा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ले जाना हो तो नंबर बन जाएगा बेस और बेस बन जाएगा नंबर। बेस चेंज वाले में क्या है, हम लॉग को दो पार्ट में तोड़ देते हैं बच्चे, बट एक कॉमन बेस हमें लेना पड़ता है। चलो क्वेश्चन करते हैं, इतनी सी बात थी, थोड़े से कुछ और कंसेप्ट हैं वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। लॉग सिक्स प्लस लॉग फाइव, क्या लिखा जाएगा इसको? अब प्रॉपर्टी इन्होंने उल्टी कर दी है, ये किसकी प्रॉपर्टी थी? एम इंटू एन की। तो इसको हम लिखेंगे बेटा लॉग सिक्स प्लस लॉग फाइव बराबर होगा लॉग सिक्स इंटू फाइव, तो लॉग क्या आ जाएगा बच्चे? 30। नोट डाउन करो कॉपी पे। ये टॉपिक माइंड से बहुत जल्दी निकल जाता है, तो इसके आप जो सॉल्यूशन है वो भी बेटा नोट करेंगे। डन। चलो सेकंड पढ़ते हैं, बताओगे इसका आंसर क्या होगा? लिखा है लॉग टू और ए, अभी बिल्कुल आराम से चलते, कोई स्पीड नहीं, तो आपने क्या किया होगा? सर जैसे ही मैंने आंसर में देखा कि लॉग नहीं है तो मेरे माइंड में बत्ती क्लिक होनी चाहिए बेटा, जलनी चाहिए, क्या कि नंबर और बेस क्या हुए होंगे? सेम। जब भी बेटा आपके ऑप्शन से लॉग हट जाए ना, तो आपकी प्राइमरी आपकी एक कंडीशन माइंड में सेट होनी चाहिए कि हमें बेस और नंबर क्या करने हैं? सेम करने। तो ये हो जाएगा लॉग यहाँ पे टू, एट को क्या लिख सकते हैं? टू की पावर थ्री, तो ये थ्री कहाँ आ जाएगा बेटा? आगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन। तो थ्री इंटू वन कितना आ जाएगा? थ्री।
देन हो गया। चलो थर्ड का तो देख के ही आंसर बता दो, बी ऑप्शन बेटा, लॉग 32 माइनस लॉग 4। फोर्थ का भी देख के ही आंसर बता दो, तो पहले ही वाला दिख रहा है क्या सर, इनटू वाला फॉर्मूला है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी। चलो फिफ्थ मेरे साथ करिएगा, फिफ्थ वाला, फिफ्थ में लिखा है बच्चे लॉग 0.0001 और बेस है 0.1 और ऑप्शन दे रखे हैं बच्चे -4, बी दे रखा है 4, सी दे रखा है 1/4 और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। इनके शॉर्टकट भी है कैलसी पे, बट हम वो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी कोई शॉर्टकट की बात नहीं करेंगे। अच्छा मुझे केवल इतना बताओ क्या किया होगा इन्होंने, क्या आंसर में लॉग हट गया है क्या? तो बेस और नंबर सेम किए होंगे, तो भैया मैं भी बेस और नंबर क्या कर लेता हूं सेम, लॉग 0.1, तो मैं इसको लिखता हूं बेटा 0.1। भैया अगर ये लाने हैं आपको लॉग हटाना है तो पक्का इसी पे कुछ ना कुछ पावर रही होगी। बेटा कैलकुलेटर उठा लो अपना, 0.1 इंटू इक्वल की बटन, एक बार सर नहीं आई वैल्यू, दो बार सर नहीं आई और तीन बार क्या आ गई वैल्यू। अगर आपने तीन बार इक्वल की बटन प्रेस की है तो एन कितना रहा होगा, 4, एन 4 रहा होगा। कॉर्नर पे 5 आ रहा है तो मुझे बताओ कॉर्नर पे एक एक्सेस दिखता है ना, भूल गए सब, और इक्वल अगर गिन रहे हो तो एक बार कम आता है। तो बच्चे ये वैल्यू है 0.1 पे पावर 4। ये कैलकुलेटर में नहीं कि उस पर नहीं करो फोन में, बिना कैलकुलेटर के आगे नहीं आएगा फिर कुछ वैल्यू, अभी तो आ रही है छोटी छोटी वैल्यू। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ना एनयूटी वाले कंसेप्ट, तो वो कैलसी पे वर्क ही नहीं होते। क्या ये समझ में आ गया? बहुत सारे लोगों के अभी चेहरे में हवाइयां उड़ी हैं, मतलब ये पार्ट नहीं समझ में आया है। मैं फिर से बताता हूँ, ये वाला पार्ट कल ही पढ़ाया था इसीलिए मैंने कहा था ना, और ध्यान रखना मैंने ऐसे बोला था अगर 2 की पावर 5 है तो आप क्या करते थे, 2 लिखते थे, इनटू की बटन प्रेस करते थे बेटा, और इक्वल की बटन एक बार कम एन माइनस वन टाइम प्रेस करते थे बेटा। कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ है अलग से ही, मैंने इसलिए अलग से ही पूरा लेक्चर लिया था, और स्क्रीन पे एक ज्यादा दिखता है ऐसे ही पढ़ा था, करके देखो बेटा सब लोग। ऑन ऑफ किया 2 इंटू, सर एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो इसकी वैल्यू आ गई बेटा 32। और कॉर्नर पे देखो क्या एक एक्सेस दिख रहा है, तो ऐसे बेटा यहाँ पे रिवर्स में आप लोग मुझे बताओ रिवर्स में क्या रहा होगा। सर हमने लिखा 0.1, लिखा 0.1 इनटू की बटन, इक्वल की बटन प्रेस करो, एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, तीन बार प्रेस करने पे आ गया क्या, तो मतलब तीन बार प्रेस किया तो एन कितना रहा होगा, 4। या सर हम प्रेस रेस ध्यान नहीं रखते, हम कॉर्नर पे देखते हैं, तो कॉर्नर पे बेटा एक ज्यादा दिखता है, 5 दिख रहा है क्या, तो एन कितना रहा होगा, पक्का आ गया सबको। चलो भाई मुझे लग नहीं रहा है कि आया है तुम लोगों को अभी समझ। तो बेस और नंबर सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, नोट डाउन कर लो इसको। ठीक है बेटा साथ में चलते रहोगे, मैथ बिल्कुल आसान लगेगी, बिल्कुल टफ नहीं लगेगी, बट जो मैं बेसिक बातें बताता हूँ ना वो माइंड में सेट रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने देखो इनटू वाला रूल कितनी बार सिखा दिया था, फर्स्ट टर्न पे भी शायद बताया था, फिर एक बार बताया था, और कल फिर मैंने पूरा एक लेक्चर ही छोटा सा रिकॉर्ड कर दिया था। वैसे तो और भी कंसेप्ट बताता बट तुम लोगों के चेहरे डाउन हो गए थे तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया था।
तो अब ये इनटू वाला कंसेप्ट आप ध्यान रखना, बहुत जगह क्या होगा ये यूज होगा, ठीक है। चलो सिक्स क्वेश्चन करते हैं। ऐसा लिखा है टू लॉग एक्स, फोर लॉग थ्री, और एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। ए ऑप्शन है बच्चे थ्री, बी ऑप्शन है नाइन, सी ऑप्शन है वन, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चले नॉर्मली सिंपल, कोई हम लोग इसको आराम से लिखते हैं और सर सॉल्व करते हैं। टू लॉग एक्स, फोर लॉग थ्री। पहले मुझे बताओ क्या मैं इस टू से इसको टू टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं क्या? यस। तो लॉग एक्स बराबर हो जाएगा टू लॉग थ्री के, ठीक है क्या? नोट बाद में करना। लॉग एक्स, लॉग एक्स बेटा ये टू आगे कैसे आया होगा? थ्री पे पावर रही होगी, मुझे नहीं पता, तुम लोग कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। टू ऐसे ही बाहर आया होगा, ठीक है। गलत होगी तो तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थ्री की पावर टू रहा होगा तभी तो बाहर आया होगा। अब देखो वैसे किसी छोटे बच्चे को मत ये बोलना कि लॉक से लॉक कट जाता है, कहेगा दीदी भैया कुछ आता ही नहीं है, बेकार है। तो हम लोग नॉर्मल बेटा उसमें लॉक से लॉक नहीं काटते हैं, एंटी लॉक में कन्वर्ट करते हैं। बट हमारे यहाँ कौन देखने वाला आ रहा है, हमें तो क्या करना है, टिक करना है। तो हमने क्या कर दिया, लॉक से लॉक को, किसी छोटे बच्चे को मत बताना नहीं तो वो तुम्हें कहेगा पागल है कुछ नहीं आता है। एक्स इक्वल्स टू बोलो थ्री पे पावर टू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, नाइन। नहीं उन्हें पता रहता भाई, उनके सिलेबस का पार्ट है, क्लास सिक्स सेवन्थ में पढ़ाते हैं। लॉग को दूसरे साइड ले जाके क्या होता है, एंटी लॉग होता है। और उनसे तुम कहोगे, उनके टीचर ने बहुत बार चिल्लाया होता है उनपे कि लॉग से लॉग नहीं कटता है, और तुम उन्हें क्या सिखा दो। तो बेटा अगर हम इसको बच्चे आंसर से भी चेक कर सकते थे, एक्स की वैल्यू रख रख के क्या कर लेते, चेक कर लेते, देखते कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक बार और देख लेते हैं। ऐसे लिखा था लॉग एक्स, ये फोर लिखा था, ये क्या लिखा था बेटा? तो मुझे बताओ ये टू कैसे आया होगा बाहर, इस पे पावर रही होगी क्या? एक्स पे पावर टू, और यहाँ पे बोलो क्या, थ्री पे पावर फोर। हमने लॉग से लॉग उड़ा दिया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री पे पावर। और कल की क्लास में पढ़ा था इंडाइसिस में, जब भी पावर एक साइड से दूसरे साइड जाती है, वन अपॉन के फॉर्म में हो जाती है ना, थ्री की पावर फोर और होल पे पावर। तो बेटा थ्री पे पावर टू, ठीक है, लिख लिया ये। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। वैसे तो सेवन में हमेशा बेटा आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी एग्जाम में आए तो कैलकुलेटर पे ही करना, कहां से करना, कैलकुलेटर पे। बट मैं आज के टर्न पे तो बिल्कुल भी आपको शॉर्टकट बताने वाला, क्योंकि फिर आप करोगे नहीं, फिर आप नॉर्मल प्रोसेस से नहीं करोगे। बट अभी हम सीख रहे हैं तो हमें कौन सा ही प्रोसेस ज्यादा सही है, नॉर्मल वाला। आज नॉर्मल से करते हैं और कल इसको बेटा मुश्किल से 15 सेकंड में किस पे ही कर लेंगे, कैलसी पे ही कर लेंगे। तो लिखा है सेवेंथ लॉग रूट टू, और यहां पे पावर क्या है बेटा, 64। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ए है 12, बी है बेटा 6, और सी है 1, और डी है नन ऑफ दीज। तुम लोग ट्राई कर रहे हो क्या? Yes. तुम लोग कह रहे हो मेरे पास आवाज आ रही है, सर हम ही कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्या लॉग हट गया है? लॉग हट गया है क्या? तो बेस और नंबर क्या रहे होंगे बेटा, सेम रहेंगे। चलो बना के बताओ जल्दी से क्या आएगा।
आ गया आंसर, ट्राई करो ना बच्चे, सेम करो, क्या दिक्कत है उसमें। हिंट कर दूं मैं? Yes. तो बेटा मुझे बताओ, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ऐसे ए टू द पावर बी एम टू द पावर एन, तो बेटा पावर कहाँ आ जाती है, बोलो आगे आ जाती है ना, सॉरी ये बी होगा, गलत लिख दिया है, बेस में ए होगा एम। लगाओ ये प्रॉपर्टी बच्चे, लॉग टू पे पावर वन बाई टू और 64 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, मुझे बताओ, टू पे ही लिखो बेटा, बेस सेम ही बनाओ, तो टू इंटू एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार बटन प्रेस की बेटा इक्वल की आ गया 64, यानी टू की पावर क्या रहा होगा 6। ये सबको आने लगा इंटू वाला रूल, है ना, जितनी अगर इक्वल गिन रहे हो बेटा तो इक्वल आपका एक कम आएगा, आपको एक बढ़ा देना है, पर अगर आप कॉर्नर पर देख रहे हो तो कॉर्नर पे एक एक्सेस दिखता है तो एक कम कर लेना है। तो ये हो जाएगा 6/1/2 log बेस और बेटा नंबर क्या हो गया सेम, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। और देखो पहले टर्न पे मैं ये पढ़ा के लाया हूं, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 6 × 2 कितना आंसर हो जाएगा, कैलसी पे बताऊं? yes. करोगे नहीं फिर तुम लोग पक्का, फिर मैं कॉपी पे चेक करूंगा। चलो अगर इसी काम को बेटा कैलसी पे करना है तो बहुत सिंपल सा है, मुझे बताना ये इसके कितने टाइम में ये पता चल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने कैलसी को ऑन ऑफ किया, कर लो ऑन ऑफ, 2 लिखा बेटा, 2 लिख लिया, क्या रूट में है, क्या रूट की बटन प्रेस कर दो, कर दी बटन प्रेस, अब इनटू और इक्वल की बटन गिनना, आपको 64 लाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अरे सर 11 में आ गया 63.9999। तो ये 64 हो गया, यानी कॉर्नर पे देखना चाह रहे हो क्या, कॉर्नर पे देखो कितना दिख रहा है 13, तो n कितना रहा होगा 12। तो ये कैलसी कह रहा है सर इसको आप ऐसे भी कर लो, log रूट टू और ये रूट टू पे पावर कितनी है बेटा 12, तो आपका आंसर क्या हो गया 12 हो गया। तो ये कैलसी का शॉर्टकट है, बट अभी आपको कैलसी वाला शॉर्टकट ज्यादा नहीं, दोनों से करना है ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आपके माइंड में क्या हो जानी चाहिए, सेट हो जानी चाहिए कि कभी भी लॉग हटा है इसका मतलब है बेस और नंबर क्या किया है सेम। कैलकुलेटर वाला भी पार्ट आ गया, नहीं आया कैलकुलेटर वाला, फिर से देखो बेटा ऑन ऑफ कर दो, कर किया सबने ऑन ऑफ, आपको बस ये देखना है ये इसके कितने टाइम्स है वही आपका आंसर होता है। तो हमने लिखा बच्चे 2, लिख लिया 2, पर सर 2 नहीं है, वो क्या है रूट 2, तो बेटा हमने रूट की बटन प्रेस कर दी, 2 के बाद रूट की बटन प्रेस करना मतलब ये रूट 2 हो गया, इनटू इक्वल की बटन प्रेस करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, अरे सर 11 पे आ गया 63.99, बेटा वो 64 ही हो गया ना। तो मुझे बताओ आपने इक्वल गिना कितना आया 11, यानी n कितना रहा होगा 12। या सर हम ये गिनना इनना नहीं पसंद है, तो कॉर्नर पे देखो कितना है बच्चे 13, तो एक कम है, ठीक है क्या? ओके सर, चलो 8 आप सॉल्व करके बताओगे क्या इसको, 2√3 1728, देखता हूं कौन कौन इसको सॉल्व कर पाता है। हाँ जी बच्चे 12 करेक्ट आंसर है, देखो मैंने कहा था ना सब कैलसी पे ही चेक करने लगे, इसीलिए नहीं बता रहा था। अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे थे, यानी हमें बेटा क्या बनाना पड़ेगा, अगर नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो तो क्या बनाना पड़ेगा बच्चे,
टू, और इसको बेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा टू और रूट थ्री के फॉर्म में, तभी तो बेटा आपका बोलो बेस और नंबर सेम हो पाएगा। चलो पहले कैलसी पे आंसर निकलवाऊं मैं, देखो बेटा मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे कैलसी पे आंसर आएगा, पहले ऑन ऑफ कर लो, नहीं मेमोरी में कुछ पड़ा हो तो सब गड़बड़ कर दोगे। कर दिया बेटा, टू लिखा इनटू क्या होना है रूट थ्री, तो रूट थ्री होने का मतलब है थ्री और फिर बटन किसकी प्रेस कर देना है रूट की। ये बात समझ में आई क्या बेटा? जब भी कैलसी में आपको कोई नंबर रूट करना होगा ना, तो वो नंबर लिखने के बाद किसकी बटन प्रेस करनी होती है रूट की। अब करते क्या है सर, हम इनटू की बटन प्रेस की, क्या की बेटा इनटू, ऐसे चलाते थे ना इनटू। अब इक्वल की बटन प्रेस करो कितनी बार होना है, वन नहीं आया, टू थ्री फोर फाइव, फाइव में आ गया सर। कॉर्नर पे कितना दिख रहा होगा, कुछ ज्यादा दिख रहा होगा, तो कॉर्नर वाला यहां पे रूल क्यों बेकार हो गया, क्योंकि सर यहां पे कितने नंबर थे, दो नंबर थे। कॉर्नर वाला रूल बेटा तभी लग पाता जब एक सिंगल नंबर हो, या तो आप उसकी वैल्यू नोट कर लो फिर लगा दो। मैं फिर से बताता हूं, तो इक्वल की बटन कितनी बार प्रेस की थी, पांच बार। तो बेटा आंसर कितना हो गया, चलो सर हमें कॉर्नर वाला भी बताओ इधर। चलो बेटा टू रूट थ्री की वैल्यू आप अलग से निकाल के रख लो पहले, तो लिखो अपने कैलसी में टू इंटू थ्री, पहले मैं टू रूट थ्री की वैल्यू निकाल देता हूं, थ्री रूट की बटन, और बाद में बेटा इंटू की बटन या इक्वल कुछ भी प्रेस कर लो आप, टू इंटू थ्री रूट की बटन। अब चाहे इक्वल प्रेस कर लो या इंटू, इंटू ही प्रेस कर दो, इंटू की बटन। कितना आ गई बेटा इसकी वैल्यू, 3.461016615, इतना आ गया। नोट डाउन कर लो, ये कैलकुलेटर को ऑन ऑफ कर दो, फिर से कर दिया ऑन ऑफ। अभी तक हमने केवल क्या किया है बेटा, इसकी वैल्यू निकाली है, तो इसको लिख लो 3.464101615, ओके इनटू। अब इक्वल की बटन गिनो बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव में दिखने लगा क्या, फाइव में 1727.99। अब कॉर्नर पे देखो कितना आ रहा है, सेवन, यानी एन कितना होगा, सिक्स। मुझे ये तरीका लिखने वाला पसंद नहीं आता, क्यों, हम शॉर्टकट की बात कर रहे हैं, और आप लिखोगे तो पांच छह सेकंड बढ़ जाएंगे क्या, पहले लिखोगे फिर क्या करोगे बेटा, फिर वापस कैलसी में नोट करोगे, तो बेटर क्या है, क्या गिन लिया करो, इक्वल गिन लिया करो। इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं बेटा, इक्वल को गिनना भी बताया है और कॉर्नर पे देखना भी बताया। चलो एक बार फिर से, अभी आया नहीं है सबको समझ में, ऑन ऑफ करो, कर लिया ऑन ऑफ। तो सबसे पहले बेटा हमारा काम होता है कि इसकी वैल्यू निकाल लें कैलसी पे, तो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, लिखो सब लोग टू इंटू थ्री, लिखा टू इंटू थ्री, सर ये थ्री थोड़ी ना था, रूट था, तो मैंने बेटा रूट लिख लिया, रूट की बटन प्रेस कर दी, कितना आया कैलसी पे, 1.7320, ये रूट थ्री की वैल्यू आई है। अब इंटू की बटन प्रेस करो, कर दिया इंटू, तो इनकी ये वैल्यू आ गई आपके कैलसी पे, इंटू कर दिया था ना सबने। अब इक्वल की बटन गिनना, एक नहीं आया सर, दो नहीं आया सर, तीन नहीं आया सर, चार नहीं आया, पांच में बस सर आ गई वैल्यू। तो यानी बेटा पांच बार इक्वल प्रेस किया तो एन कितना रहा होगा, सिक्स रहा, ठीक है क्या, सबको आ गया। बट मेरा मन इससे भरता नहीं, मैं आपको इसको नॉर्मल तरीका बताता हूं, जिससे कि आपको कंसेप्ट अभी थोड़े से और अच्छे से क्लियर हो जाए। सब एक बार सब लोग कैलसी पर निकाल लो, सबका वैल्यू आ गया क्या, एन इक्वल्स टू सिक्स, कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा हो तो मैं दोबारा से बताऊं, आ गया सब। सर हमें ये तरीका तो अभी नहीं सीखना, ये एग्जाम में लगाना है, अभी नॉर्मल तरीका सीखना है। तो बच्चे इसके जो हमें आंसर गिवन थे, इसके आंसर गिवन थे टू रूट थ्री, और बी था टू, सी था सिक्स, और डी क्या था बच्चे, मेरा माइंड इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहता है कि अगर लॉग हटा है
तो बेस और नंबर क्या रहे होंगे, सेम। यानी इसके जो हम फैक्टर करेंगे ना बच्चे, वो टू और थ्री के फॉर्म में आएंगे। किसके फॉर्म में आएंगे? तो मैंने लिखा 1728 डिवाइड बाई टू, तो आप अपने कैलसी पे लिखो 1728 डिवाइड बाई टू, 864 डिवाइड बाई टू 432, अभी भी 2 है तो बेटा और डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाई 2216, अभी भी 2 से हो जाएगा क्या? यस सर, अभी भी 2 से हो जाएगा। 108, अभी भी 2 से हो जाएगा क्या? अभी भी 2 से हो जाएगा क्या? आगे आगे बच्चे, यहां तक बोलो ठीक है क्या? ये सब लोगों ने अपने कैलसीप निकाल लिया ना भाई, हमें कैलकुलेटर अलाउड है तो माइंड में ज्यादा लोड, इसीलिए मैं कह रहा था ना इस क्वेश्चन को एग्जाम में किस पे ही करेंगे बच्चे, कैलकुलेटर पे ही करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। बट अभी इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि माइंड में एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए। तो बताना 1 2 3 4 5 6, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा लॉग 2√3, 1728 को लिख रहा हूँ 2 की पावर 6 इंटू 1 2 3, 3 की पावर। बट आपके माइंड में आना चाहिए था बेस और नंबर क्या होना चाहिए था, सेम। तो सर लॉग 2√3 2 की पावर 6, 3 को क्या बेटा मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? मुझे नहीं पता, आप लोग हाँ करो तो ठीक है, लिख सकता हूं क्या? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 1/2 और होल पे पावर बोलो बेटा 2, तो ये कट के कितना आ जाएगा 3, तो हम 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। तो ये लॉग 2√3 2 की पावर 6 और यहां पे बोलो √3 पे पावर भी कितनी हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। अब मुझे बताना 2√3, ये बच्चे क्या पावर दोनों में सेम है क्या? तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इस पे पावर 6 और ये पावर बेटा कहाँ आ जाएगी, बाहर, और बेस और नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बेस और नंबर सेम है, तो 6 × 1। तो अच्छा किससे है ये, कैलसी पे ही अच्छा है भाई, 30 सेकंड लगते हैं, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आंसर आ जाता है। बट अभी हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मन में एक इमेज क्लियर हो रही है, अच्छा सर लॉग तभी हटेगा जब बेस और नंबर सेम हो जाएगा। तो बच्चे इसको भी नोट कर लो, ये लिखा था लॉग 2, अच्छा चलो नोट तो आपने कर ही लिया होगा, ये लिख लो, नोट डाउन करो उसको भी। मुझे पता है आपको बेटा किस टाइम पे कौन सा इंजेक्शन लगाना है, अभी आप ये नोट नहीं करोगे और फिर एग्जाम टाइम पे क्या होता है, माइंड में ये डेटा नहीं होता कि यार भाई ये कैसे सेम आ गया, कैलसी वाला तो आ रहा होता है। बट देखो तो इंस्टीट्यूट कभी कभी क्या करता है, उसको पता है कि बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, कभी वो ऐसी वैल्यू दे देता कि आप शॉर्टकट नहीं लगा पाओगे, तो फिर कौन सा ही प्रोसेस काम में आता है, लॉन्ग वाला। कैलकुलेटर पे सबका आ गया था ना, घर पे जाना दोबारा से करना, अगर नहीं आया ना तो नेक्स्ट टर्न पे पूछना जरूर, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है बेटा। एक तो मेरे मन में बिल्कुल क्लियर था कि मुझे अगर सॉल्व करना है तो बेस और नंबर क्या करने हैं बेटा, सेम करने हैं, और मैं एंड में जाके बेस और नंबर मैंने सेम कर लिए। डन। देखो मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको लिखाया नहीं, मैं पहले लिखा देता हूं उस पॉइंट को, यहीं पे फॉर्मूले जहां पढ़े हैं हमने, तो नंबर 9 लिख लो बेटा,
जब भी मैं आपसे बोलूं कॉमन बेस, कौन सा बेस बोलूं बेटा? कॉमन बेस। अगर कभी भी बेस में कुछ नहीं लिखा है बेटा तो उसका मतलब कितना होता है? 10। कितना होता है? 10। और एक होता है अपना नेचुरल बेस, नेचुरल बेस होता है बच्चे ई। क्या होता है? ई। जैसे मैं ये बोलूं लॉग, यहाँ पे बेस 10 है, तो ये कौन सा बेस है? कॉमन है। और बेटा मैं अगर बोलूं बेस आप ई लगा रहे हो तो कौन सा है? नेचुरल। किसी क्वेश्चन में कुछ नहीं लगा होता है तो बेस कितना माना जाता है बेटा? 10। कॉमन बेस को माना जाता है। ठीक है, बड़े आगे। कॉमन बेस क्या होता है? 10। और नेचुरल बेस क्या होता है? ई होता है बेटा। ओके सर, अब इसके बाद नाइन्थ है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग करोगे, मेरे साथ चलना। लिखा है लॉग 1/81 और बेस कितना है बच्चे इसका? 9। आप लोग बता सकते हो वैसे तो, हाँ -2 हो जाएगा। तो मुझे बताओ करना क्या? कुछ नहीं करना सर, हमने जो पढ़ा था m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगाओ। तो 1, और देखो मैंने आपके साथ चीटिंग की थी जब मैं आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बेस के बारे में कुछ बात नहीं की थी, बट मैंने एंड में आपको बता दिया था कि बेटा जो भी बेस रहता है वो सब में वही बेस होता है। तो यहाँ पे बोलो बेस क्या आएगा? 9 माइनस लॉग 81, और यहाँ पे बेस क्या होगा बच्चे? इसमें किसी को दिक्कत है क्या बेटा? ये पहले तो 9 को गोली मार दो, इसको हटाओ, इसको। लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? लॉग एम अपॉन एन, तो ये होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, यही होता है ना। अब बेस में 9 लगा था तो मैंने भी क्या कर दिया बेटा? बेस में 9 लगा दिया। और इसकी वैल्यू बताओगे क्या होती है? सर हमने पढ़ा था एनी बेस, और अगर क्या होगा बेटा 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी बेटा? 0। माइनस आ गया, इसका टेम्पलेट चेंज कर दूं मैं, ब्लैंक। अब ठीक है, तो लॉग 9, और इसको क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर। तो बोलो बच्चे क्या हो जाएगा? 2 बाहर आ जाएगा, और 9 और 9 क्या हो गया बच्चे? सेम हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर आ जाएगा -2। अब किसी का दिल करता तो इसको ये भी लिख सकता था, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 की पावर क्या है? 4 है, तब भी आंसर क्या आता आपका? माइनस का 2 ही आता। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो लिखा है बच्चे लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3। 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 रह गया, पहले चलो 10 कर लो। 10 में क्या लिखा है बच्चे? लॉग 0.0625, और बेस में कितना है? 2। ठीक है ना, वैल्यू क्या बोल रहा है? 4 और 5, और सी बोल रहा है 1, डी बोल रहा है नन ऑफ दीज। अच्छा यहां सोच के मुझे बताओ सर, 2 का मल्टीपल क्या बेटा ये हो सकता है कभी? भाई मुझे बताओ बेस और नंबर हटता कब है? सॉरी मतलब लॉग हटता कब है? जब बेस और नंबर सेम हो। सर 4 आया है, 4 आने का मतलब सर ये लिखा होगा 2 की पावर 4, तभी तो 4 आया होगा। ये बात समझ पा रहे हो? इसका यूज मैं बहुत करता हूं। और अगर बताओ 5 बाहर कब आया होगा? जब यहाँ पे कितना लिखा हो। और 1 कब आया होगा? जब यहाँ पे पावर क्या लिखा हो। सर ये तो 2 के मल्टीपल में ही नहीं है, तो आंसर सीधे सीधे क्या होगा बच्चे इसका? नन ऑफ दीज होगा। समझ में आया या फिर से रिपीट करूं? मुझे बताओ, मैं इसमें जो फोकस कर रहा हूं, एक मुझे एक पॉइंट ये फोकस करना है, 4 आने का लॉजिक बताओ।
सर बेस और नंबर सेम रहा होगा तब तो वन आता है, और अगर फोर बाहर आया है तो इसका मतलब है सर मुझे नहीं पता ये क्या रहा होगा, पर इस पे पावर क्या रही होगी। ये बात समझ रहे हो क्या एंड में बेटा? आपको ये बात समझ में आ गई पक्का? यहां पर तो सर ये मल्टीपल ही नहीं था तो फोर फाइव वन की तो बात ही नहीं है भाई, अपने कैलसी पे ही देख लो। मुझे बताओ अगर ये फोर बोल रहा है इसका मतलब है टू इन टू इक्वल की बटन तीन बार प्रेस करनी है, तीन बार प्रेस करनी है ना, वन टू और सर थ्री नहीं आया सर वो वैल्यू। ठीक है चलो सबको समझ में आ गया टेंथ। चलो इसके बाद अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की, लॉग टू इक्वल्स टू था 0.3010 और लॉग थ्री की वैल्यू हुआ करती थी 0.4771 और लॉग सिक्स की वैल्यू पूछा। पहले सुनो, जब बेटा हम लोग क्लास नाइन्थ या टेंथ में हुआ करते थे तो ये हमें याद कराई गई थी वैल्यू लॉग टू की और लॉग थ्री की, बट अब याद नहीं करनी, हम इसको कैलसी पे ही निकाल सकते हैं। तो सर इसमें बचा क्या है करने के लिए? कुछ ही नहीं है। सिक्स को क्या लिख सकते हो बेटा? टू इंटू थ्री। क्या मैं सिक्स को टू इंटू थ्री लिख सकता हूँ? और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? लॉग टू प्लस लॉग थ्री। लॉग टू की वैल्यू क्या है? ऐसा तो नहीं है मतलब आप सिर के ऊपर से जाने लगा हो, 0.3010 प्लस 0.4771 तो ये आंसर हो गया 0.7781। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, इसी सेम कंसेप्ट से रिलेटेड। तो सेम कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर है 18, नहीं 18 से पहले है सर 17। लिखा है लॉग 10 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स, लॉग बेस में है 10, नंबर है 3, इसकी वैल्यू है वाई और आपको बताना है दिस। चलो आप बताने की कोशिश करो, मैं तब तक ऑप्शन लिख रहा हूं। आपको टू और थ्री देखना है, टू और थ्री कितना हो गया? सिक्स, बचा कितना? टेन, और बेस और नंबर सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? वन। तो सर हम 60 को लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू टेन। ठीक है क्या बच्चे? क्या था बच्चे? 60 था। क्या था बच्चे? 60। और देखो हमें जो गिवन होता है उससे मतलब होता है, हमें गिवन क्या है? टू और थ्री। तो हमने इसको लिखा बेस में 10, टू इंटू थ्री कितना हो गया बेटा? अब बचा कितना? तो भैया 10 बच रहा है तब तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है, और भी सिंपल हो गया। तो इसको हम सर लिख सकते हैं लॉग टू लॉग थ्री प्लस लॉग 10, पर बेस में कितना लगा था? तो बेस और नंबर सेम हो जाए बच्चे तो वैल्यू कितनी हो जाती है? वन। इसकी वैल्यू तो सर वन हो गई, और इसकी वैल्यू बताओ बच्चे कितनी होगी? सर इसकी वैल्यू एक्स हो जाएगी और इसकी वैल्यू वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस वन। चलो 18 करेंगे तो ये कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा हमारा। हाँ जी बच्चे, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो घर पे जाके पहले फॉर्मूले फिर से लिखना एक बार, है ना,
और जब भी ऐसे चाय चाय तो सब लोग ही पीते हो कि नहीं पीते हो? पीते हो ना, तो जब तक मम्मी बना रही होती है तो क्या करते हो, बैठे रहते हो? तो भैया आराम से ऐसे आंखें बंद करके फॉर्मूले रिवाइज कर लिया करो, और अगर मन में आपने 3 दिन फॉर्मूले रिवाइज कर लिए तो मैं गारंटी ले रहा हूँ जिंदगी भर नहीं भूलोगे। हम करते क्या, लिख लिख के करते हैं तो थोड़ा सा वो भूलने के चांसेस होते हैं, तो आप एक बार पहले लिख लेना यहाँ से जाके, और शाम के आराम से एक बार बैठना और सारे फॉर्मूले रिकॉल करना, जो याद में नहीं आए तो उनको पलट के फिर से देख लेना। तो ऐसा 2 बार कर लोगे तो वो परमानेंट क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। अब जैसे मुझे अगर कोई चीज याद हो सकती है, जैसे मेरी आदत क्या है, भूलने की बहुत है। ऐसे बहुत बार यहाँ तो बहुत दूर आना होता है तो नहीं भूलता है। मेरे घर के पास में बैंक थी अप्रोक्स 200 मीटर, तो महीने में ऐसा 4 बार हो जाता था कि मैं जो स्कूटी थी वो बैंक में ही छोड़ आता था। और जब शाम की क्या होती थी, वो अंदर खड़ी करनी होती थी, तो शाम की जब दिखती थी कि स्कूटी नहीं है तो सब मेरी तरफ देखते थे। फिर मैं सोचता था भाई गया कहाँ हूँ मैं, और भाग के कहाँ जाता था, भैया वहां खड़ी होगी। तो ये इतनी मतलब मेमोरी वीक है मेरी, और मुझे याद है। तो आप लोग भी आराम से ऐसे बहुत बार क्या मंगाया बेटा, ऐसा स्कूल की टाइम बता रहा हूँ, सामान मंगाया। तो घर से स्कूल मेरा 5 किलोमीटर दूर था बेटा, वहीं पे मार्केट भी थी, तो सामान ले लिया, बस में बैठ गए और आराम से उतर आए, और सामान क्या हो गया, बस में ही चला गया बेटा। ठीक है, और घर में जब पूछा, अरे नहीं नहीं लेके नहीं आए। बट ये होता था ना, तब उतनी पॉकेट मनी मिलती थी, छोटा सामान हो गया तब तो गोली लगा दी, अरे लेके ही नहीं आए। बट जब ज्यादा सामान होता था तो फिर भैया आप भूल गए, आप क्या, फिर तो बताना पड़ेगा ना। क्योंकि तो ऐसा एक आध बार नहीं, मतलब अगर ये मान लो कि 1 महीने में 2 या 3 बार हो जाता था मेरे साथ। एक बार तो मैं प्रेस कराने गया, अब जब मैं पहुंच गया प्रेस वाली उस पर, अब मैं ध्यान कर रहा हूँ यार मैं आया किस लिए था, कपड़े तो हाथ में लिए नहीं था। तो ये सिचुएशन है, अब इसके बावजूद अगर याद किया है तो तुम लोग भी आराम से याद कर सकते हो, बस उसको 1-2 बार लिखना। ये नोट हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर कर देंगे 18 आएगा बेटा। अभी देखो 18 में क्या कह रहा था, log 10 base 2 की वैल्यू x है, और log 10 base 3 की वैल्यू y है, और log 10 base 1.2। सर ये तो इन्होंने हमारे साथ चीटिंग कर दी। और डी ए नन ऑफ दीज। अब सुनना बच्चे करना क्या है हमें, आप लोगों का माइंड बड़ा क्लियर होता है, सर हमें इसके फैक्टर में लाना है, क्या करना है इसके फैक्टर में लाना है। बट सर वो तो पॉइंट में है, तो क्या बचपन में पॉइंट हटाना सीखा था क्या, किस क्लास में सीखा था? फोर्थ में शायद सिखाया गया था, फोर्थ में बता देते हैं 1.2। तो कहते क्या है बच्चे, जहां पे पॉइंट था वहां पे 1 लिख लो, ऐसे ही बताया गया था ना। और इसके बाद जितने आपको डिजिट लिखने हैं बेटा उतने क्या लगाते जाओ, 0 लगाते जाओ, ऐसे ही पढ़ाया गया था। तो मैंने पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और एक अंक मुझे और लिखना है, तो 1 0। तो बेटा ये हो गया आपका, मैं इसको और अच्छे से लिखूं, 12/10। तो एम अपॉन एन वाला फॉर्मूला लगा के बताओगे क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू तो मैं बता देता हूं कि 1 है। ठीक है, आप इस वाले को आप बताओ क्या लिख सकते हो? सर हमें 2 और 3 के फॉर्म में लिखना है, तो 2 into 2 into 3। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। बाकी बेटा इसको और ओपन कर दो आप लोग, तो log 10 base 2, 10 base 2 प्लस log 10 base 3 -1। तो इसकी वैल्यू x प्लस x, और इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चे, वाई थी क्या? हाँ सर वाई थी 3 की, तो 2x+y। तो ये समझ में आ गया ना, कुछ ना कुछ वो मॉडिफिकेशन करेंगे, अगर पॉइंट वॉइंट लगा तो हम ऐसे पॉइंट को हटा लेंगे। यहां से नोट करना होगा ना, लो
तो मैं 19 क्या होमवर्क दे सकता हूँ? पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं देखता हूँ कि आप लोग बताना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और जिसको भी थोड़ा सा टफ लगे ना, वैसे तो बेटा सबको ही सेम क्वेश्चन घर पे क्या करने हैं, दोबारा से करने हैं। तो आप देख लो जो बड़े क्वेश्चन लग रहे थे, तो एक बार क्या करना, उनको दोबारा से ट्राई करना। डन। अच्छा 19 यहीं पे करके बताओगे या होमवर्क? होमवर्क, ओके। तो 19 होमवर्क हो गया। एक क्वेश्चन तो मैं तुम लोगों से यहीं पे करा लेता हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 24 है और कैलसी पे आपको फटाफट आंसर देना है। पहले नोट कर लो सब लोग, नहीं कहोगे सर अच्छा हमने तो नोट किया नहीं था। हमने कर लिया नोट पक्का? चलो तो क्वेश्चन ये है, लॉग 2√2 और 64 आपको आंसर दे रखा है, 2b√2, सी दे रखा है 1/2 और डी दे रखा है नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा आंसर है, कैलसी पे ही करके बता दो। मैं पूछूंगा कितना आया है, फिर कर लिया सबने? कैलसी नहीं है, लो यहां से ले जाऊं। अरे अभी पीछे सिखा के लाया हूं, पीछे सिखाया था क्या ये? कितना आया बच्चे? नहीं नहीं वैल्यू बताओ, नन ऑफ दिस तो आ रहा है। नहीं नहीं आपने एन कितना निकाला? एन कितनी है? एन फिर से ट्राई कर लो, एन बताओ कितना आया है। आप नॉर्मल प्रोसेस भी लगा सकते हो, कैलसी का शॉर्टकट भी लगा सकते हो। लगता है कैलसी का शॉर्टकट आप लोगों को आया नहीं। लिखा दूं क्या इस प्रोसेस को? लिखा देता हूं। चलो जिन लोगों को समझ में आ गया था वो बताएं पहले, कितना आया था? नहीं नहीं वो तो वैल्यू बता रहा हूँ, मुझे तो एन चाहिए, एन कितना आया? एन 8। कॉर्नर पे बेटा गड़बड़ हो जाता है इसमें। 4 करेक्ट है बेटा, 4 करेक्ट है। चलो मतलब आया नहीं आप लोगों को, मेरे साथ चलो, चलो नहीं 4 है इसका, मेरे साथ चलो सब लोग। सब लोग कैलकुलेटर ऑन ऑफ करो, कर लिया ऑन ऑफ? चलो यहाँ सबसे पहले बेटा 2 लिखोगे, यहां देखो क्या लिखोगे, 2 लिखा क्या सामने, 2 इंटू लिखोगे, किया इंटू, फिर क्या है नंबर 2, 2 लिखने के बाद रूट की बटन प्रेस कर दो, कर दिया रूट की बटन प्रेस, अब इंटू, अब यहां से स्टेप हुआ, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप था इंटू, अब तीसरा स्टेप था आपको इक्वल की बटन प्रेस करते जाना और गिनते जाना, गिनो कितनी बार में आ रहा है, नहीं कितनी बार प्रेस किया है आपने, 3 बार प्रेस किया है, इक्वल की बटन आपने 3 बार प्रेस की है, तो मुझे बताओ n 1 ज्यादा होगा, तो n कितना होगा, 4 होगा। ये लो भैया वो कैलसी पकड़ो, फोन कभी कभी गड़बड़ कर देता है, आजा ले जा। अब बेटा कॉर्नर में पता है क्यों गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपने 1 2 ये लिखा, फिर इंटू किया, फिर 2 किया, फिर रूट किया, तो ये स्टेप भी क्या होते हैं, काउंट होते हैं। सबका आ गया? अभी तो कह रहे थे समझ में आ गया, पहले क्वेश्चन दिया तो कर नहीं पाए, आ गया। अगर इसको सर हम नॉर्मल प्रोसेस से सॉल्व करते तो वो बताओ आप,
तो बेटा इसको मैं लिख सकता था 2 की पावर 1 और इसको लिख सकता था 2 की पावर, लिख सकता हूं ऐसा, और 64 को लिख सकता हूं 2 की पावर 6, बोलते ही नहीं हूं ठीक है क्या? तो इसको और आगे सॉल्व करते तो 2 की पावर 6, और मुझे बताओ बेटा यहां पे एलसीएम आता 2 और ये कितना हो जाता 2+1, ऐसा तो नहीं मैं ही सीखे ले रहा हूं तुम लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा है, 2 की पावर 3/2, पावर कहां आ जाती है बेटा बाहर, तो 6/3/2 और यहां पे बचेगा दिस, तो ये 2 कहां चला गया ऊपर, 6 × 2/3, तो 4 आंसर आ गया, सिंपल है क्या? चलो फिर इतना ही रखते हैं, अभी कम समझ में आया था आप लोगों को, सारे फॉर्मूले एक बार क्या दोबारा से पढ़ लें जो हमने पढ़े थे, 2 मिनट लगेंगे, अब उल्टा रिवर्स में पढ़ते हैं, रिवर्स में ठीक है। हमने ऐसे बोला था कि लॉग लिखा हुआ था और उसको 2 पार्ट में तोड़ना था, हमें कितने पार्ट में तोड़ना था 2, तो हमने कहा था कोई भी कॉमन बेस ले लो, नंबर न्यूमरेटर में बेस डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ठीक है याद हो गया। फिर हमने कहा था लॉग लिखा है हमें या तो न्यूमरेटर में ले जाना है या डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो बोलो क्या होता था, सब लोग सुनो सुनो बेटा घर पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो लॉग लिखा हुआ है और हमें या तो न्यूमरेटर में ले जाना है या डिनोमिनेटर में ले जाना है, तो अगर ऐसा करना है बच्चे तो बेस नंबर बन जाता है, नंबर बेस बन जाता है, याद है हो गया। फिर हमने पढ़ा था सर कोई भी बेस बना रहा है 1 की वैल्यू 0 होती है, फिर हमने सर ऐसे पढ़ा था लॉग बेस और नंबर सेम है, बोलो बच्चे बेस और नंबर सेम है तो 1। सर हमने इनटू में पढ़ा था कि अगर इनटू में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे और डिवाइड में है तो माइनस, बस इतना ही तो पढ़ा है आज। चलो थैंक यू बच्चे। तो सर हमने क्या क्या था हम